Hi everyone, my name is Poonam Mehta. I am Director Training at Right Directions. Right Directions is a right platform to the students basically who wants to go abroad for study in different countries. Even we deal in like IELTS, PTE, Duolingo, and we are also on the e-learning platform of IELTS, PTE, CDIL, SELPEP and Duolingo. So अभी हमारे काफी students की queries आ रही है related to मॉन्ट्रियल क्यूबेक. सो एज जो मॉन्ट्रियल क्यूबेक है वहां पर सेटलमेंट बहुत ही इजी है, काफी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं. सो आज हमारे लाइव सेशन में मॉन्ट्रियल बेस्ड एवेलॉन कॉलेज के साउथ एशिया मैनेजर मिस्टर वरुण हमारे साथ हैं एंड वी विल हैव 101 डिस्कशन रिलेटेड टू एवेलॉन कॉलेज, रिलेटेड टू मॉन्ट्रियल, रिलेटेड टू क्यूबेक ऑल्सो. इवन अभी क्या अपकमिंग इनटेक्स अवेलेबल हैं, क्या अभी स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस लेंगे या वो फ्लाई करेंगे एंड वी विल हैव नंबर ऑफ क्वेरीज. जो भी अभी हमारी क्वेश्चंस होंगे लाइक रिलेटेड टू प्रोग्राम्स ऑल्सो, और क्या फ्यूचर आपकी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी कि अगर आप सेप्टेम्बर या अभी अपकमिंग इनटेक्स में आप अप्लाई करते हो. वेलकम मिस्टर वरुण. थैंक यू वेरी मच. हाई एवरी वन, आई एम वरुण फ्रॉम कॉलेज एवेलॉन लोकेटेड क्यूबेक मॉन्ट्रियल कनाडा. So I'm working as a South Asia manager. I'm really thankful to Right Directions, Poonam and Mr. Vinay Mittal who invited me for this live session. So today I will speak about Avalon College and we'll speak about some programs requirement for the Avalon College. So basically इस live का हम लोगों का motive है कि students को maximum से maximum हम लोग स्टूडेंट्स को नॉलेज दे पाए अपकमिंग इनटेक्स फॉर द कॉलेज एंड क्या उनके प्रोस्पेक्ट्स रहेंगे फ्यूचर्स पढ़ने के बाद. सो क्या होता है कि स्टूडेंट्स डाउटली हैं COVID-19 की वजह से, क्या वो स्टडी रेगुलरली स्टडी कर पाएंगे, कब फ्लाई करेंगे. सो आज के लाइव में ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, सो मिस्टर वरुण मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज एवेलॉन कॉलेज लाइक. आई वांट कि आप उसके बारे में डिटेल्स बताएं कि वो कहाँ लोकेटेड है एंड कितनी दूरी पे है. लाइक एयरपोर्ट से बेसिकली बच्चों को ये होता है कि कितनी दूरी पे हमको ट्रैवल करने की प्रॉब्लम ना आए एंड इवन उसके कौन कौन से कैंपस हैं. ओके, सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है पूनम. मैं आपको बता दूं कि लाइक मेजरली क्या होता है कि जब स्टूडेंट अपना फ्यूचर डिसाइड करता है तो उसको लोकेशंस बहुत ज्यादा मैटर करती है. कॉलेजेस के नाम बहुत अच्छे होते हैं, कॉलेजेस की रेपुटेशन अच्छी होती है, लेकिन स्टूडेंट एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर मैं देखूं उसको लोकेशंस बहुत ज्यादा मैटर करती है. व्हाई? बिकॉज उसको स्टडी के साथ साथ अपने पार्ट टाइम जॉब्स और उन सब चीजों पे फोकस करना होता है. सो बेसिकली क्या हुआ एवेलॉन कॉलेज के लिए, मैं आपको बता दूं कि एवेलॉन कॉलेज एस्टैब्लिश 1995 इन क्यूबेक. सो हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली 25 ईयर ओल्ड इंस्टीट्यूशन हैं जो क्यूबेक में एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं एंड एवेलॉन कॉलेज इज हैविंग टू कैंपस मेजरली. सो पूनम क्या है कि दो कैंपसेज हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होता है दोनों कैंपसेज कहाँ पे लोकेटेड है, एग्जैक्टली क्या है. एक हमारा जो मेजर कैंपस है वो है मॉन्ट्रियल डाउनटाउन के बिल्कुल पास है और दूसरा हमारा जो कैंपस है क्यूबेक सिटी में है. सो क्यूबेक सिटी के लिए बता दूं, सो क्यूबेक सिटी इज द कैपिटल ऑफ क्यूबेक प्रोविंस जो सो मॉन्ट्रियल से मैक्सिमम 4 आवर के ड्राइव है जो स्टूडेंट्स पढ़ने के सॉरी स्टूडेंट्स वहां पे क्यूबेक सिटी में जा सकता है. सो बेसिकली कैंपसेस हमारे जो मॉन्ट्रियल कैंपस है दैट इज ऑन प्राइम लोकेशन. सो मेजरली क्या होता है कि स्टूडेंट्स की मैक्सिमम क्वेरीज होती है मॉन्ट्रियल के लिए. सो मॉन्ट्रियल डाउनटाउन के बिल्कुल पास है. सो वी कैन से इज द हार्ट ऑफ मॉन्ट्रियल, बिल्कुल सेंटर वाला लोकेशन है मेजर लोकेशन से पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स. ओके, अगर जैसे अभी आईएलटीएस स्टार्ट हो रहा है और बहुत से बच्चों ने भी आईएलटीएस का एग्जाम नहीं दिया लेकिन ग्रेड 12 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है एंड स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड कि वो सितंबर या जनवरी इनटेक में जाएं, तो क्या स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं फॉर द ऑफर लेटर? लाइक आई मीन कि वो ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करें विदाउट आईएलटीएस, क्या ये पॉसिबल है? कंडीशनल ऑफर लेटर. कंडीशनल ऑफर. ओके, सो बेसिकली क्या है कि वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी कंडीशनल ऑफर लेटर. सो वी रिक्वायर्ड द कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन जैसे उसका 10th है, 12th है एंड पासपोर्ट एंड आईएलटीएस उसको अप्लाई करने के लिए. सो वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी कंडीशनल ऑफर लेटर.
सो अभी अपकमिंग इनटेक कौन सा अवेलेबल है जो मेन है लाइक ओके बिकॉज सॉरी टू इंटरप्ट यू बिकॉज मोस्टली सितंबर इनटेक क्लोज हो चुका है कई कॉलेजेस में दे आर ऑफरिंग कि अभी जनवरी इनटेक में जाएं तो अभी एवलॉन कॉलेज कौन सा इनटेक प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट्स को ओके सो रिसेंटली जो कैनेडियन हाई कमीशन से जो अपडेट्स है उसके अकॉर्डिंगली जो सितंबर इनटेक की जो उन्होंने डेडलाइन दी है अप्लाई करने के लिए 15 सितंबर तक की है सो सितंबर इनटेक क्लोज नहीं हुआ है स्टूडेंट आज भी अप्लाई कर सकता है सितंबर इनटेक के लिए अगर उसके पास अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है सो मेजरली एवलॉन कॉलेज के पास जो इनटेक्स रहेंगे वो सितंबर के बाद नेक्स्ट इनटेक वी हैव नवंबर 2020 एंड द नेक्स्ट इज जनवरी 2020 एंड उसके बाद वी हैव मार्च 21 एंड उसके बाद जुलाई है एंड देन उसके बाद सितंबर अभी काफी न्यूज में आ रहा है रिलेटेड टू AIP दैट इज अप्रूवल इन प्रिंसिपल सो मैं जानना चाहूंगी कि इसके बारे में डिटेल्स में बेसिकली ओके सो एक्चुअली क्या है कि जो कैनेडियन हाई कमीशन से जो रिसेंटली अपडेट है स्टूडेंट्स के फेवर में है AIP व्हाट इज द AIP अप्रूवल इन प्रिंसिपल कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो अप्रूवल दिया है स्टूडेंट्स को वो किस लिए दिया है पूर्ण मुझे मैं क्लियर कर दूं आपको कि गवर्नमेंट आर सेइंग कि पहले मेजरली क्या होता था कि स्टूडेंट्स अप्लाई कर लेता था ऑफर लेटर आ जाती थी उसकी एंड उसके बाद वो फीस पेमेंट करने के बाद फाइल लॉजमेंट ऑनलाइन कर देता था लेकिन बायोमेट्रिक की वजह से जैसे VFSs ओपन नहीं है इंडिया में सो बायोमेट्रिक की वजह से उसका वीजा अप्रूव नहीं होता था अप्रूव नहीं होता था तो कॉलेजेस उसको ना तो ऑनलाइन के लिए अलाउ करते थे ना ही उसको ऑफलाइन के लिए अलाउ करते थे बेसिकली क्या है कि स्टूडेंट्स को बायोमेट्रिक के ऊपर उन्होंने रिलीफ दिया है कि अगर स्टूडेंट्स के पास बायोमेट्रिक नहीं भी कंप्लीट है तब भी वो AIP अप्रूवल फर्स्ट स्टेज का अप्रूवल लेके अपनी ऑनलाइन स्टडी इंडिया से स्टार्ट कर सकता है सो 50% ऑनलाइन स्टडी इंडिया से करके स्टूडेंट अपने नेक्स्ट 50% कनाडा कंप्लीट करके अपने पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हो जाएगा ऑलराइट यस सो जैसे अभी स्टूडेंट्स अगर सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं कंडीशनल ऑफर लेटर के लिए दैट टू विदाउट IELTS राइट अगर स्टूडेंट कंडीशनल ऑफर लेटर ले लेते हैं एंड दे आर टेकिंग टू सेमेस्टर्स फॉर द सितंबर इनटेक एंड इन इन केस टू सेमेस्टर्स होने के बाद उनका वीजा रिफ्यूज हो जाता है राइट सो उस टाइम पे क्या रिफंड पॉलिसी होगी क्या स्टूडेंट को रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा यू मीन टू से यू आर आस्किंग फॉर द सेकंड स्टेज ऑफ अप्रूवल राइट ओके सो क्या है कि इसमें कि लाइक जैसे AIP अप्रूवल के बाद स्टूडेंट्स अप्लाई करेगा सॉरी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करेगा अगर वो एक सेमेस्टर पढ़ लेता है इंडिया से उसके बाद फ्लाई कर सकता है सेकंड स्टेज का अप्रूवल लेके अगर वो दो सेमेस्टर पढ़ने के बाद भी फ्लाई कर सकता है इंडिया से अपने नेक्स्ट स्टडी कंप्लीट करने के लिए सो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन क्या होते हैं कि अगर हम लोग इंडिया से ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट कर ले तो हमारा नेक्स्ट फर्दर ट्रैवल कब रहेगा सेकंड स्टेज ऑफ अप्रूवल की क्या श्योरिटी रहेगी सो एज पर द गाइडलाइंस सो उन्होंने जो लास्ट का जो उन्होंने रखा है अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल का जो सेकंड स्टेज पे जो उन्होंने कंडीशन रखा दैट इज ओनली फॉर द बायोमेट्रिक एंड बायोमेट्रिक कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स का सेकंड स्टेज ऑफ अप्रूवल आ जाएगा सो एवलॉन कॉलेज में ऑनलाइन स्टडी करने के बाद एक सेमेस्टर या दो सेमेस्टर पढ़ने के बाद भी इन केस एनी जेन्युइन रिफ्यूजल हाई कमीशन से कोई भी जेन्युइन रिफ्यूजल की वजह से उसका वीजा अप्रूव नहीं होता है सेकंड स्टेज के ऊपर तो कॉलेज उसको फुल फीस रिफंड करेगा उसकी उसकी जो उन्होंने जो बच्चे ने फीस दी होगी तो वो फुल फीस फी रिफंड रहेगी चाहे उसने एक सेमेस्टर इंस्टीट्यूशन से पढ़ा हो चाहे उन्होंने दो सेमेस्टर पढ़े हो सो ऑनलाइन क्लासेस बेसिकली कैसी होंगी लाइक इट वुड बी देयर वुड बी अ रेशियो कि 30% ऑनलाइन क्लासेस होंगी लाइक आई मीन टू से कि 50% ऑनलाइन क्लासेस होंगी डिपेंड्स हां कि एग्जैक्टली बैचेस रहेंगे वो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट स्ट्रेंथ कितने स्टूडेंट रजिस्टर्ड होते हैं उसके हिसाब से वो बैचेस टाइमिंग वो सब कुछ स्टूडेंट्स को दे सकते हैं सो इट वुड बी लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस नो इट्स लाइव It would be live classes. कोई recorded नहीं होगी. In case student कह रहा है कि अभी हम class नहीं ले पा रहे तो it would not be recorded. No. And what about the material system? Like material कैसे मिलेगा students? वो सब कुछ हम लोग उनको provide करेंगे उनका student ID के ऊपर, right? उनके registered email के ऊपर जो रहेगा students को, वो पूरा support रहेगा students को college की तरफ से. We have setups, online setups. All right. So basically students को क्या requirement होगी online classes के लिए?
बेसिकली ऐसा कुछ ऑनलाइन क्लासेस के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस अपना स्टूडेंट AIP अप्रूवल लेके फर्स्ट स्टेज का वो डायरेक्टली अपनी ऑनलाइन क्लासेस सितंबर 2020 के लिए स्टार्ट कर सकता है। सो व्हाट इज द लास्ट डेट अगर वो सितंबर इनटेक के लिए ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो लास्ट डेट कौन सी होगी? सो एज पर द कैनेडियन हाई कमीशन उसका 15 सितंबर तक का लास्ट डेडलाइन है अपनी फाइल अप्लाई करने के लिए। Alright, so basically, क्या programs offer कर रहे हैं Avalon College international students को? So यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ students की, like Avalon College जो located है Quebec में Montreal में, so यहाँ पे जो programs details मैं आपको clear कर देता हूँ कि किस तरह के streams के students हमारे college में admission ले सकते हैं, क्या क्या requirements रहेगी। So we have three programs for the international students, जिसमें हमारे पास पहला प्रोग्राम आता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली ये प्रोग्राम AEC लेवल का है, इसमें नॉन मेडिकल कॉमर्स एंड आर्ट्स विद इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। सो प्रोग्राम्स रिक्वायरमेंट इज ओवरऑल 50% एकेडमिकली भी रिक्वायर्ड, 6 ओवरऑल, 1 मॉड्यूल 5.5 फॉर द अंडरग्रेजुएट। हमारे पास दो प्रोग्राम है, जिसमें हमारे पास पहला प्रोग्राम है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंस का जो 15 मंथ का है प्रोग्राम, इसमें स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें BA, BCom, MBA, MCom, उसके बाद BCA, MCA, NMSC, IT, BSc, IT, कंप्यूटर और मैनेजमेंट दोनों स्ट्रीम्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड द सेकंड एंड द लास्ट प्रोग्राम जो हमारे पास है वो है इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, IBM है, सबसे हॉट सेलिंग प्रोग्राम है, सबसे ज्यादा डिमांडेबल प्रोग्राम है कनाडा के अंदर। सो ये प्रोग्राम वी आर ऑफरिंग, ड्यूरेशन इज 2 ईयर विद 4 सेमेस्टर, स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकता है। सो PG प्रोग्राम्स के रिक्वायरमेंट 50% इज ओवरऑल है एंड IELTS 6.5, 1 मॉड्यूल 5.5, 6 ईच एंड 6 ओवरऑल दो रिक्वायरमेंट रहेंगे। एंड वन मोर थिंग्स, हम लोग PTE भी लेते हैं पूनम, इसमें अंडर ग्रेजुएट वी है PTE स्कोर 54 ओवरऑल एंड ग्रेजुएट वी है 58 ओवरऑल। एंड व्हाट अबाउट डुओलिंगो टेस्ट, वो भी एक्सेप्टेड है ऑफ लेटेस्ट? ऑफ कोर्स एडमिशन प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से डुओलिंगो हम लोग ले रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट 105 एंड ग्रेजुएट इज 110। ओके, इन केस स्टूडेंट का गैप है तो मैक्सिमम कितना गैप एक्सेप्टेबल है स्टूडेंट्स के लिए, लाइक आई मीन 5 इयर्स, 10 इयर्स? नो, एग्जैक्ट मैं आपको डिटेल्स कर देता हूं, ब्रीफ कर देता हूं, जिसमें अंडर ग्रेजुएट इज द मैक्सिमम 2 ईयर ओनली एंड द ग्रेजुएट इज अ 5 ईयर ओनली, नॉट शुड बी मोर देन 5 ईयर, मैक्सिमम 5 इयर्स का गैप एक्सेप्टेबल है। ऑलराइट, सो इसमें बेसिकली क्या रिक्वायरमेंट है अगर स्टूडेंट ने अप्लाई करना है ऑफर लेटर के लिए? सो We required is academically उसका जो complete होना चाहिए 10th, 12th and IELTS and passport for the admissions. Okay, and what benefits students would be getting अगर वो इस college में apply करते हैं? Okay, so एक चीज मैं आप लोगों को इस live के through बता दूं कि Avalon College is the college जो Montreal में कम fee structure पे है yearly. Basically पुनम students के questions क्या होते हैं? जैसे हम लोगों को डायरेक्टली भी स्टूडेंट्स क्वेश्चंस करते हैं, एक्चुअली स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, स्टूडेंट चाहते हैं कि हमें लेस फी स्ट्रक्चर वाला, लोएस्ट फी स्ट्रक्चर वाला इंस्टीट्यूशन हो, और उसके बाद स्टूडेंट्स के लाइक लोकेशन उसका प्राइम लोकेशन होना चाहिए एंड उसके बाद उसका पोस्ट स्टडी वर्क परमिट अवेलेबल होने। सो Avalon इज द ओनली वन प्लेटफॉर्म इन Montreal जिसमें ये तीनों चीजें स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई होंगी। फी स्ट्रक्चर पे वी तीनों प्रोग्राम्स का जो फी स्ट्रक्चर है, एक साल का फी स्ट्रक्चर $11,900 है, इंक्लूडिंग एयरपोर्ट पिकअप, बुक मटेरियल एंड सॉफ्ट कॉपी एंड हेल्थ इंश्योरेंस, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस एंड इसमें स्टूडेंट असिस्टेंस, सब कुछ इंक्लूडिंग रहेगा $11,900 ईयरली। एंड द सेकेंड ईयर 2 साल के लिए स्टूडेंट्स अगर पढ़ रहा है तो उसके $21,900 2 साल की फीस है, कंप्लीट फीस फॉर 2 ईयर $21,900। तो स्टूडेंट जैसे अभी इस कॉलेज में पढ़ रहा है लाइक इन मॉन्ट्रियल क्यूबेक राइट इन Avalon कॉलेज, तो स्टूडेंट्स के लिए क्या फ्यूचर सेटलमेंट होगी, क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज हैं इस एरिया में पढ़ने के? ओके, सो मॉन्ट्रियल डाउनटाउन इज अ वेरी फेमस फॉर द जॉब अवेलेबिलिटी, आज की डेट में सबसे ज्यादा जॉब्स अवेलेबल है मॉन्ट्रियल के अंदर। कॉलेज जो है
पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पे हैं, स्टूडेंट्स पढ़ने के बाद अपना पोस्ट स्टडी वर्क परमिट अप्लाई कर सकता है एंड पार्ट टाइम एंड फुल टाइम जॉब्स के लिए अच्छा स्कोप है वहाँ पे. सो आई थिंक कि एवलॉन और मॉन्ट्रियल इज अ कंप्लीट पैकेज फॉर द स्टूडेंट जो वहाँ पे रह के अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से या फ्यूचर अपने उसको क्लियर कर सकता है. सो स्टूडेंट्स नाउ आपको पता चल गया होगा कि एवलॉन कॉलेज के बारे में कि फी स्ट्रक्चर इज वेरी नॉमिनल. इट्स अप्रोक्सीमेटली 11,900 दैट इज फॉर वन ईयर. नॉर्मली जो आपका फी स्ट्रक्चर होता है इफ यू आर गोइंग टू अदर प्रोविंस या इन अदर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज आपका इन बिटवीन 18,000 to 19,000 कनेडियन डॉलर्स है. सो दिस इज द राइट टाइम आप स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं सितंबर इंटेक के लिए. सितंबर कर सकते हैं, नवंबर कर सकते हैं अगर किसी स्टूडेंट. हाँ जी सब को. सो अगर कोई भी स्टूडेंट सितंबर इनटेक के लिए इंटरेस्टेड है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए अपना टाइम सेविंग करना चाहता है, ट्रैवल बिना ट्रैवल किए अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहता है, अपने गैप्स को नहीं बढ़ाना चाहता है, तो वो अपने सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं. सो राइट डायरेक्शन इज ऑफिशियल पार्टनर फॉर द एवलॉन कॉलेज. आपको कोई भी क्वेरीज हो किसी भी तरीके का, कोई क्वेश्चन हो, सो पूनम एंड विनय एंड राइट डायरेक्शन टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी एवलॉन कॉलेज के लिए. एंड आफ्टर लैंडिंग इन कैनेडा कॉलेज आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेगा, आपके अकोमोडेशन ढूंढने में हो, एयरपोर्ट पिकअप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, हर तरह से आपको सपोर्ट मिलेगा कैनेडा के. So hurry up guys, this is the golden opportunity for you as you can initiate your admission process right directions mein. Aap hamari right directions ki office mein visit kar sakte hain, hamari expert team hai counselors ki, you can just discuss with them, we'll give you all the details. Aap abhi right time hai agar aapko lag raha hai you want to save your time or offer letter ke liye, as Mr. Varun said ki aap without ISB offer letter ke liye apply kar sakte hain, you can go for the online classes. कंडीशनल ऑफर लेटर के लिए राइट फॉर दी सितंबर इनटेक. कंडीशनल नहीं, अनकंडीशनल के लिए हम लोग देंगे. सॉरी ओके, इट्स कंडीशनल. ओके तो कंडीशनल में हम लोग कोई भी कंडीशनल ऑफर लेटर नहीं दे रहे हैं, उसका आईएलएस और वो सब चीजें कंप्लीट होनी चाहिए सितंबर 2020 के लिए. सो यहाँ पे मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ, अनकंडीशनल डायरेक्टली ऑफर लेटर रिलीज होगा, कंडीशनल ऑफर लेटर हम लोग नहीं देते. ऑलराइट, सो आपका डायरेक्ट अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिलेगा, आप यू कैन गो फॉर दी ऑनलाइन क्लासेस and you would be getting good benefits. आपका एयरपोर्ट पिकअप भी फ्री होगा फ्यूचर में, वंस आपका रिस्ट्रिक्शंस आपकी जो अपलिफ्ट हो जाएंगी, जो आपकी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस अभी लोगे लेकिन जैसे ही आप फिजिकल क्लासेस अटेंड कर पाओगे देर वुड बी एयरपोर्ट पिकअप फ्री. आपका अभी फी स्ट्रक्चर इज वेरी नॉमिनल बिकॉज एंड इवन जो ऑफर लेटर का प्रोसेसिंग टाइम है मैक्सिमम आपको 2 days में ऑफर लेटर मिल जाएगा. सो नो एप्लीकेशन फीस, कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है कॉलेज में अप्लाई करने के लिए. विद इन 2 days आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा एंड जैसे ही आप फीस पेमेंट करते हो विद इन 1 to 2 days में आप अपनी एलओए लेके सीए को अप्लाई कर सकते. इवन राइट नाउ अगर आप सेप्टेम्बर इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप राइट डायरेक्शन में आपके प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं लगेंगे. यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस, आप हमारे टेक्निकल सपोर्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो, दैट इज 9254833333, और यू कैन कॉल एट आवर ऑल्टरनेट नंबर दैट इज 7056563636. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है info@rightdirections.co.in. इवन यू कैन लॉग ऑन टू अवर वेबसाइट दैट इज www.rightdirectionsoverseas.com. राइट डायरेक्शंस आपको ई लर्निंग का प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर रहे हैं. अगर आप घर बैठ के अपनी ISPT, CDIELTS, इवन सेल्फ हेल्प एंड ड्यूओलिंगो की क्लासेस लेना चाहें, वी हैव एक्सपीरियंस ट्रेनर्स जो आपको ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे. फॉर द डायरेक्ट काउंसलिंग्स यू कैन विजिट द नियरेस्ट ब्रांच जिस एरिया में ओपन है, यू कैन विजिट, अदरवाइज हम आप कॉल कर दो. सी राइट डायरेक्शंस आपको कॉन्टिन्यूसली अपडेशंस प्रोवाइड कर रहा है रिलेटेड टू द अपकमिंग इनटेक, इवन अभी क्या फ्यूचर पॉसिबिलिटीज होंगी, एंड इवन आपको हमने कैनेडा स्टडी वीजा का जो आपने बताया है लाइक AIP, तो इसमें भी आपका डिटेल्स में इन्होंने बताया है. सो सी यू सून इन माई नेक्स्ट लाइव सेशन. सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड बी पॉजिटिव. इन द लास्ट दिस इज रियली गुड, दिस इज रियली गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट. Right Direction is not charging anything for the processing and the college is also not charging for any application fees. Thank you very much.